वहीं देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल बैठक की। पीएम ने कोविड-19 महामारी के संबंध में मानव संसाधन की स्थिति पर भी समीक्षा की। कोरोना के हालातों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब कोरोना मरीजों के इलाज में MBBS के छात्रों की भी तैनाती हो सकेगी। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कोविड ड्यूटी में MBBS और नर्सिंग छात्रों के अंतिम वर्ष की सेवाओं का उपयोग करना भी शामिल है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फैसला लिया गया है कि अब कोविड ड्यूटी में भाग लेने वाले चिकित्सा कर्मियों को आगामी सरकारी भर्ती में वरीयता मिलेगी। इसके अलावा उन्हें वरीयता प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। बैठक में छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रम के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन विवरण कल तक सामने आएगा। सूत्रों के मुताबिक निर्णय में NEET में देरी करना और MBBS पास आउट की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है, ताकि कोविड ड्यूटी में शामिल हो सकें। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना संकट में ऑक्सीजन किल्लत से निपटने की भी समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक कई उद्योग जैसे स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल इकाइयों के साथ साथ रिफाइनरियों, समृद्ध दहन प्रक्रिया का उपयोग करने वाले उद्योग, बिजली संयंत्र आदि में ऑक्सीजन संयंत्र है, जो गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो इस प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इस ऑक्सीजन को चिकित्सा उपयोग के लिए टैप किया जा सकता है। पीएमओ के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बीच चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों के रूपांतरण की व्यवहार्यता का पता लगाया है। विभिन्न ऐसे संभावित उद्योग जिनमें ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों की पहचान की जा सकती है। आगे बताया गया है कि उद्योगों के साथ विचार विमर्श पर अब तक 14 उद्योगों की पहचान की गई है, जहां रूपांतरण का काम चल रहा है। इसके अलावा 37 नाइट्रोजन संयंत्रों की पहचान उद्योग संघों की मदद से भी की गई है। ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संशोधित नाइट्रोजन संयंत्रों को या तो पास के अस्पताल में ट्रांसफर किया जा सकता है, और अगर ये संयंत्र को ट्रांसफर करने की संभावना नहीं है तो इसका उपयोग ऑक्सीजन के ऑन साइट उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसे विशेष माध्यम से अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।